हेलो दोस्तों, हम लोग बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक थ्योरी पार्ट है अभी के लिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी जानेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स, बेसिकली ये बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट है तो तीन टाइप के ये होते हैं, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, दूसरा सेलेक्शन डिसीजन और तीसरा रिपीटेशन और लूप इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल स्टेटमेंट, पहले हम लोग को पता होना चाहिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स निर्धारित करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल जो कि एक प्रोग्राम में होता है। ठीक है, और साथ में ये भी अनेबल करता है कि किसी प्रोग्राम में उसका जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि हम लोग प्रिंट एफ देते हैं, उसका उसके बाद स्कैन एफ देते हैं, तो वो किस तरह से किस ऑर्डर में उसको रन करे, एग्जीक्यूट करे। ठीक है, उस चीज़ को ये निर्धारित करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, और यही है कंट्रोल स्टेटमेंट। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और डिसीजन इंस्ट्रक्शन और रिपीटेशन और लूप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, अभी तक हम लोग जितना भी प्रोग्राम कर रहे थे वह सब क्या था, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन था। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है वन इंस्ट्रक्शन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक को वो एग्जीक्यूट करता है जो भी सोर्स कोड में। जैसे कि हम लोग लिखते थे प्रिंट एफ फंक्शन, उसके नीचे स्कैन एफ, फिर से प्रिंट एफ, फिर से स्कैन एफ, या फिर प्रिंट एफ, फिर प्रिंट एफ, तो वन बाय वन उसके नीचे उसको एग्जीक्यूट करता जाता था। इसको बोलते हैं सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन, एक सीरीज में ये सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट करता जाता था। ठीक है, तो ये था सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग अभी नेक्स्ट जो सेकंड है वो है सेलेक्शन और डिसीजन इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन और द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स ये एग्जीक्यूट करता है कोड्स को जो कि डिपेंड होता है कंडीशन पर। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने कोई कंडीशन दिया, जो कि आप जैसे कि आप कोई कंडीशन थे, इसमें देखिए पहले एग्जांपल देखिए, इफ एल्स और स्विच, ये सब जो है वो क्या है, सिलेक्शन और डिसीजन इंस्ट्रक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक कंडीशन देते हैं और उसी कंडीशन के अनुसार उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये उसका आंसर होगा, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो उसका ये आंसर होगा। इस तरह से हम लोग एक कंडीशन देते हैं और उसी पर ये पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जीक्यूशन डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यही था सिलेक्शन और डिसीजन इंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेशन और लूप इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब हुआ कि एक ही कोड को बार बार रिपीट करवाना। ठीक है, इसमें लिखा है इट मीन्स एग्जीक्यूटिंग द सेम सेक्शन ऑफ कोड मोर देन वंस, मीन्स एक ही कोड को हम लोग इसे बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब बार बार, जैसे कि एक कोड है उसको अगर बार बार आपको लिखने की आवश्यकता है तो उसके वजह हम लोग इस इंस्ट्रक्शन से उसको बार बार रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि जब एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैसे व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप का इस्तेमाल होता है, तो हम लोगों को ये डेफिनेशन जो है और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और ओके, देन फिलहाल के जो थ्योरी है इतना ही है। ठीक है, और देन हम लोग इफ एल्स और इफ स्विच, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।